टेक्सस प्रो का डे वन खत्म हो चुका है और मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक इस डिवीजन के हमें हमारे विनर मिल चुके हैं। क्लासिक फिजिक कैटेगरी थोड़ी हाइप में थी क्योंकि लोगन फ्रैंकलिन, स्टीव लॉरियस इन जैसे एथलीट कम्पीट कर रहे थे। तो अगर इसी डिवीजन की रिजल्ट्स की बात करें तो फर्स्ट पर रहे रॉबर्ट टीम्स, सेकंड प्लेस मिली लोगन फ्रैंकलिन को, थर्ड पर रहे स्टीव लॉरियस, फोर्थ पर रहे ब्रैंडन विलियम्स। रॉबर्ट की फिजिक की बात करें तो परफेक्ट बैलेंस, सिमेट्री, शेप, उनकी फिजिक अलग से चमक रही थी। ये कोई टैनिंग का कमाल नहीं था, आप देख सकते हो कि इन सभी में वो अलग से नजर आ रहे हैं। लैट्स तो उनके अलग ही लेवल पर थे, बोन ड्राई कंडीशनिंग थी, बाइसेप का पीक सही था, एब्स एकदम हार्ड ड्राई चंकी थे, लेग्स में कट्स अच्छे लग रहे थे। ये मुझे डिजर्विंग विनर लगे, आपका ओपिनियन क्या है जरूर कमेंट करना। सेकंड पर रहे लोगन भी सही थे, मतलब मसल मास अच्छा था, कंडीशनिंग ठीक ठाक थी, वैक्यूम बढ़िया हिट कर रहे थे, बैक में भी अच्छे इंप्रूवमेंट्स कर रहे थे, हैमस्ट्रिंग्स ग्लूट्स ड्राई लग रहे थे, यानी कंडीशनिंग ऑन पॉइंट थी। बट अभी भी बॉडी में मसल मैच्योरिटी उतनी नहीं थी, इसलिए मसल की क्वालिटी सफर कर रही थी, वो रॉबर्ट जितने शार्प नहीं थे। थर्ड पर रहे स्टीव की बात करें तो उनके मुताबिक ये उनकी आज तक की बेस्ट फिजिक थी। ये सही भी था क्योंकि टेम्पा के मुकाबले कंडीशनिंग सुधर गई थी, बट स्टिल वो शार्प लुक मिसिंग था, इसलिए थर्ड पर रहे। और मेंस फिजिक डिवीजन में जोसेफ ली या जो मोंजे, जो भुवन के सेम कोच से ट्रेनिंग लेते हैं, उन्होंने इस डिवीजन को जीत लिया है। उनकी इतनी फोटोज तो नहीं मिली, बट इस फोटो में देख सकते हो कि उनकी वेस्ट एकदम टाइट है, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो काफी बढ़िया लग रहा है, लाइट्स फ्रंट से विजिबल है। तो क्या कहते हो, मनोज अगर कम्पीट कर रहे होते तो उनकी प्लेसिंग क्या होती, क्या वो टॉप 5 तक पहुंच पाते, आपको क्या लगता है? तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करना। अगर आपके पास बॉडी बिल्डिंग फील्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर करना। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।